हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आए हैं आज कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें एक ही स्केल पर एक ही स्टील रूल में इसमें तीन आपके सेट लगे होते हैं। इसे बोलते हैं सेंटर हेड, ये आपका प्रोटेक्टर हेड और ये होता है आपका स्क्वायर हेड। तीनों का अलग अलग काम है, वो बताऊँगा आपको। पहले स्टार्ट चलते हैं कि हम भाग जान लेते हैं क्या क्या भाग होते हैं इसमें। सबसे ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर ही मैंने निकाल रखा है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, यहाँ लगा रहता है। इसका काम मुख्य काम होता है लाइन खींचना, इसके द्वारा लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है। स्क्वायर हेड है ये, इसके द्वारा जाके फ्लैटनेस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री ये इस तरह से, और 45 डिग्री ये हम चेक कर सकते हैं। ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है। इसके द्वारा हम किसी जाप की समतलता भी चेक कर लेते हैं। समतलता इस तरह से, इसमें आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पिरिट लेवल लगा हुआ है। इसका ऊपर वाला भाग स्क्राइबर होता है, ये इसमें स्पिरिट लगा होता है। इस वाले गोल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर हेड बोलते हैं। नीचे ये लॉक नट लगा होता है जो हम स्केल में स्टील उल में इसको फंसाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम 90 डिग्री पर 45 डिग्री की कोई भी हम एंगल चेक कर सकते हैं या कोई हम समानांतर लाइन खींच सकते हैं, ठीक। इसके बाद अभी आपने देखा कि आपने प्रोटेक्टर हेड सेंटर हेड के बारे में आपने जान लिया किस किस तरह वो काम करता है। अब इसी में आप ये देख लीजिए, इसमें ये इसका ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 45 डिग्री होता है, ठीक है। हम किसी जॉब की फ्लैटनेस और किसी जॉब में हम पैरेलल समांतर लाइन भी हम खींच सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए रख लिया, तो हमने कोई एंगल बनाना 45 डिग्री का, तो ये ऐसे लाइन लगाई हमने और इधर से ये लगा दिया, तो ये आपका देखेंगे 45 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। इस ये आपकी एक पैरेलल सेंटर लाइन जा रही है, ये अगर हम यहाँ से सेंटर लाइन डाल दें इस तरह से, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक। उसी तरह से अब इसमें हमने जैसे अभी आपको बताया कि अब इसमें ये हमारा क्या है, ये आपका 90 डिग्री पर है, तो हमने कोई अपने इससे हम सेंटर लाइन डाल सकते हैं, 90 डिग्री का कोण इससे बना सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से बन रहे हैं। और इसका एक फ़ायदा और भी है, आपने स्केल अपनी जगह इससे रख लिया, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है इससे रखने का, आपने किधर से रख लें इधर से रख लें, इससे एक फ़ायदा हो रहा है। अगर हमने 10 mm के 5 mm के स्पेस से कोई पैरेलल लाइन डाल ली है तो आप डाल सकते हैं। जैसे अभी आपने डाली है, अब मान लीजिए यहाँ पर डालना है, ठीक है, 10 mm के स्पेस से कोई लाइन डाली, लेकिन इसको हमने इस तरह रखना होगा, तो हम इस तरह से इसमें लाइन लगा देंगे, ठीक है। फिर हमने 10 mm के स्पेस पर कोई लाइन लगानी है, तो इसके लिए स्थिर रहेगा, इसको 10 mm पे ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन हमने ये खींच ली, इस तरह से हम किसी भी एंगल्स वाली कोई भी लाइंस को पैरेलल एक दूसरे के लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोटेक्टर हेड के बारे में आप पूरी तरह समझ गए होंगे। ये आपका 45 डिग्री चेक करता है और ये 90 डिग्री, ठीक है। बाद में आपका ये बीच वाला है, इसे बोलते हैं हम प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड में एक खासियत है, इसके इस लाइन से वन साइड, ये लाइन से आपके वन साइड, दोनों साइड में 180 डिग्री के हम कोणों को नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इसको ऐसे ऐसे ये किसी भी एंगल पर पूरी गोलाई में घूम जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें भी एक स्पीड लेवल लगा होता है। इसका क्या है, किसी जॉब की समतलता चेक करने के लिए काम आता है। इस तरह से हम समतलता जॉब की ऐसे तरह से चेक कर सकते हैं। ये जो स्पीड लेवल है, जो आपका एक इसमें बॉल सी होती है, इसमें एक बुलबुला होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ये बताता है कि जो हमारा बिल्कुल पैरेलल है या समतल है। थर्ड नंबर पर आता है आपका आपका सेंटर हेड है, ठीक है। ये सेंटर से वाले हेड होते हैं ये इसके, और इसमें एक लॉक नट होता है, ये ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये जॉब के सेंटर निकालने के काम आता है। अब बताते हैं इससे एंगल कैसे चेक करते हैं, किस तरह चेक करते हैं। तो इसका जो आपका प्रोटेक्टर हेड है, इससे एंगल हम कैसे चेक करते हैं आपको बता रहे हैं। जैसे हमको 90 डिग्री चेक करना है, तो ये वाला जो हिस्सा है आपके स्क्वायर हेड भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है कि नहीं है इसको हम इसके माध्यम से चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने लगाया, इस तरह से लगा दिया, और ये आपके इधर लगाया हमने, ठीक। वन साइड स्केल, वन साइड आपका, ये देखिए, चाहे इधर लगा लीजिए चाहे इसको आप ऐसे लगाएंगे, तो इसको हमको लेवल करना पड़ेगा। ये आपको घुमा लें आप इस तरह से, और इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री पर ये हो गया। इसके आप जो नंबर्स देखेंगे, ये वाला हिस्सा यहाँ वाला, ये आपका 90 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। यदि इसी का हमें 45 एंगल चेक करना है, जैसे ये वाला आपका आपका स्क्वायर हेड में ये 45 डिग्री पर होता है,
ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे, आप इसको चेक कर भी करके देख सकते हैं। जैसे आपने स्केल में यहाँ पे लगा लिया, जैसे हम देखते हैं कि इसका हमें 45 डिग्री एंगल निकालना है, तो ये इसका हिस्सा है, ये इसके हम पैरेलल रख लेते हैं और इसको हम सटाते हैं स्केल से, ठीक है, और इस तरह से इसको बिल्कुल मिला लेते हैं कि कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर इसके सामने ध्यान रखें, इसको लॉक करना ना भूलें, इसको इस तरह से लॉक कर देते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा 90 डिग्री पर है कि नहीं है, ये 45 डिग्री पर हमारा है कि नहीं है, ठीक है। इसमें जो निशान लगा हुआ है 40 है, और ये यहाँ पे आ रहा है, ये 45 डिग्री पर लगभग ये इसके साइड में ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हम आपके प्रोटेक्टर हेड द्वारा, ठीक है, किसी भी जॉब का हम एंगल चेक कर सकते हैं, कोई कोण को हम चेक कर सकते हैं। थर्ड होता है आपका सेंटर हेड। सेंटर हेड आपका ये है, इसमें एक लोक अंदर पिन लगी होती है, इसमें हम स्केल में इसको इस तरह से फंसा लेते हैं, इसमें एक खांचा होता है ये वाला, इसे स्केल में लगाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक स्क्रू, एक नट होता है, इसको घुमा करके इसमें फंसा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लूज करके, ये इस तरह से देखो फंस गया, हल्का सा इसको हमने यहाँ पे टाइट कर लिया। इसका मुख्य काम होता है जॉब का सेंटर निकालना, ठीक है। कैसे निकालते हैं सेंटर, जैसे मान लीजिए जॉब है, हम जॉब लिया है, इसका सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अब बता रहे हैं आपको। इसको आप निकाल दीजिए, इसको हमने सेंटर इसका निकालना है, ठीक है, ये लिया है हम इस तरह से, और हमने क्या किया, इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से लगा लेंगे, इससे यहाँ लॉक लगकर लॉक कर दिया और इसको हमने लगा दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी, इसको हमने लाइन को इसको हटा लिया। अब इसको एक बार घुमा लीजिएगा, ठीक है, फिर इसको सटा लेंगे आप सेंटर हेड से, ठीक, और फिर ये आपका यहाँ से एक लाइन खींच लीजिएगा, देखना इसमें सेंटर लाइन मिल रही है, आप कहीं घुमा लीजिए सेंटर लाइन इसकी, वहीं पे आएगी, घुमा लेंगे आप, ये दबा लिया आपने, इस तरह से कर लिया, ये आपका, ये देखिए, इस तरह से हम किसी जॉब की भी सेंटर, हम जो है जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने आज सीखा कि कॉम्बिनेशन सेट में कौन कौन सा आपका स्क्वायर हेड किस काम आता है, प्रोटेक्टर हेड किस काम आता है, और सेंटर हेड किस काम आता है, आप इसके बारे में जान हुए होंगे। धन्यवाद।